नमस्कार, आज हम बात करेंगे ट्रांजिट ऑफ इवेंट के ऊपर। और जो है कि ये जो पत्रिका है, एक जातिका की है, जो कि मेरे एक स्टूडेंट ने क्लास के अंदर जब दशा प्रोग्रेशन के ऊपर बात हो रही थी, क्लास चल रही थी, तो उस दौरान दी थी, जो कि मैंने पहले भी एक उसमें वीडियो बनाई है, जो क्लिप है क्लास की वो डाल रखी है यूट्यूब के ऊपर दशा प्रोग्रेशन के नाम से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगा, उसको भी जरूर देखिएगा। तो आप बात करते हैं ट्रांजिट, दशांतर दशा, प्रोमिस चार्ट के अंदर। क्योंकि जब हम किसी भी इवेंट को देखते हैं, तो सबसे पहले तो उस इवेंट का प्रोमिस चार्ट के अंदर होना बहुत जरूरी है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। तो सीधा ट्रांजिट के ऊपर या सीधा महादशा अंतरदशा के ऊपर पूछने से पहले हमें ये जरूर देखना होता है कि भाई ये जो चार्ट के अंदर प्रॉमिस है वो चार्ट के अंदर है या नहीं है। जो कि इवेंट जातक पूछ रहा है या जातिका पूछ रही है, वो होगा भी या नहीं होगा। तो यहां पर जो कि बात थी शादी की, कि शादी कब होगी, सीधी सी बात है, लगन के ऊपर जो है कि शुभ ग्रह बैठे हुए हैं लगन के अंदर, और भावत भावत नियम के हिसाब से जो सप्तम भाव का जो कि भावत भाव भाव बनता है वो लगन बनता है, वहां पर एक शुभ ग्रह स्थित हो। नो डाउट सूर्य भी देख रहे हैं, जो कि खुद जनपति के लगने से है, और लगन को देख के लगन को स्ट्रांग बना रहे हैं। तो जो भाव भाव नियम के हिसाब से जो लगने से लगन है, जो सप्तम भाव का भावात भाव है, भाव है, वो मजबूत है, अर्थात शादी की प्रॉमिस है चार्ट के अंदर। शादी तो जरूर होगी, अब कब होगी, क्योंकि जातिका की उम्र जो है कि 36 साल पार कर चुकी थी, लेकिन प्रॉमिस है। जन्म पत्रिका के सप्तमेश शनि उच्च के होके तुला राशि के अंदर है। तुला राशि वैसे भी रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन साथ में मंगल है, तो जो थोड़ी दिक्कतें पेश आएंगी मंगल की वजह से। और जो शनि है वो देरी के कारक है, डिनाई कभी नहीं करती, यानी कि लगन पत्रिका के सप्तमी शनि है, जिसकी वजह से जाति की शादी 36 साल के आसपास में हो सकती है, यानी कि प्रॉमिस दिखा रहा चाहता कि लगन के अंदर शुभ ग्रह का होना, सप्तमेश का उच्च राशि के अंदर होना, ये शादी तो होगी। अब आ जाते हैं बात की, जिस टाइम जातिका ने मेरे को पूछा उस टाइम इनकी दशा चल रही थी राहु के अंदर चंद्रमा। क्लासिक्स में राहु को एक ऐसा ग्रह बताया गया है जो कि अपनी दशा अंतर दशा के अंदर अगर सप्तम भाव या सप्तमेश से किसी भी प्रकार का कोई संबंध ना हो, उसके बावजूद शादी देने की काबिलियत रखता है, शादी देने में सक्षम है। ये राहु के बारे में बोला गया, राहु को बोला गया ब्याह शादी कराने वाला। तो महादशा राहु की थी, अंतरदशा चंद्रमा की थी, जो लगन में बैठ के सप्तम भाव को देख रहे हैं, अर्थात सप्तम भाव एक्टिव है, शादी हो सकती है। साथ ही साथ यहां पर जो है कि हम दशा राहु की चल रही है, अगर उसको लगन बनाएं, राहु से सप्तम भाव के स्वामी जो है कि मंगल है, जो कि जन्म कुंडली के सप्तमेश के साथ बैठे हुए हैं, और राहु से छठे भाव के अंदर जो महादशा भाव है, अर्थात तो कुछ अड़चने हैं, छठा भाव अड़चनों का है, परेशानियों का है। दशा बता रही है कि शादी हो सकती है। अब महत्वपूर्ण तो बात आ जाती है कि जब प्रॉमिस चार्ट के अंदर है, जब दशा अंतर दशा बता रही है कि शादी हो सकती है, तो ट्रांजिट
ट्रांजिट वो एक सूत्र है या टूल है जिससे हम उस घटना का सही टाइमिंग निकालते हैं, क्योंकि दशा अंतरदशा, अंतरदशा हो सकता है 6 महीने की हो, साल भर की हो, 2 साल की हो, 1.5 साल की हो, और लंबा पीरियड होता है। और राहु के अंदर चंद्रमा की दशा करीबन 1 साल 1.5 साल की तो होगी होगी, लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग के लिए पास पहुंचने के लिए आपको ट्रांजिट का आवश्यकता पड़ती है। और ट्रांजिट के अंदर दोहरा गोचर, जो कि मैं हर अपने टाइमिंग कोई भी वीडियो होती है उसके अंदर बताता हूँ कि वो गोचर के अंदर शनि और जुपिटर, इनका दोहरा गोचर है। जब किसी एक भाव को एक्टिव करे, उस भाव के स्वामी को देखता हो, उस भाव से गोचर कर रहा हो, या उस भाव के कारक के ऊपर से गोचर कर रहा हो। अब जब शादी की बात आती है तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है सप्तम भाव, सप्तमेश, साथ ही साथ वीनस शुक्र, जो शादी के स्थिर कारक है। अब उनकी दशा जब थी उसके अंदर जब ट्रांजिट को मिलाया गया तो उनकी जो दशा थी गुरु सॉरी राहु में चंद्रमा की, वो 6 दिसंबर तक का समय दिखा रही थी, और अगस्त में इन्होंने मेरे को ये चार्ट दिया था, 4-5 महीने का टाइम था। तो हमने ट्रांजिट जो है कि लगाना शुरू किया, और जब जो है कि वो ट्रांजिट जो है कि 3 दिसंबर के आसपास पहुंचा, वैसे मैंने टाइमिंग इनको 6 दिसंबर की दी थी लेकिन शादी इनकी 3 दिसंबर को हुई थी। फिर जब मैंने इनके चार्ट का एनालिसिस किया तो शनि जो है कि यहां से जो है कि 12वें घर को देख रही है, और जो गुरुदेव हैं वो यहां पर बैठ के सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, और वहां से सप्तम भाव से बैठ के 12वें भाव के स्वामी चंद्रमा पर दृष्टि बनाए हुए हैं। एक कॉमन फैक्टर 12वां भाव एक्टिव हो गया। अब उससे आगे बढ़ी तो यहां पर शनि 6ठे भाव के अंदर है, और यहां से 10वीं दृष्टि 7, 8, 9, 10 दसवीं दृष्टि जो है कि उनके सप्तमेश के ऊपर से है। गुरुदेव सप्तम भाव के अंदर है और सप्तमेश के शनि के ऊपर शनि की दृष्टि है गोचर के, दोहरा गोचर लग्न कुंडली के सप्तम भाव को एक्टिव करता है। साथ ही साथ महादशा लॉर्ड के सप्तम भाव यानी महादशा लॉर्ड के सप्तमेश मंगल के जो कि शनि के साथ ही बैठे हुए हैं उनको भी प्रभावित कर रहा है, क्योंकि गुरु यहां बैठकर सप्तम भाव के अंदर बैठकर अपनी 9वीं दृष्टि से शनि और मंगल को देख रहे हैं। यानी दशा लगन से सप्तम भाव एक्टिव है, लगन से सप्तम भाव एक्टिव है, साथ ही साथ लगन से 12वां भाव एक्टिव है, और दशा लगन जो राहु का है, राहु दशा है राहु की, उससे जो 12वां भाव है मंगल का ही बनता है। मंगल है उनके 12वें भाव का स्वामी जो वहां बैठे हुए हैं, वो भी एक्टिव हो रहे हैं। महादशा लॉर्ड से सप्तमेश और 12वें भाव के स्वामी मंगल हैं जो शनि के साथ बैठे हुए हैं, जो लगन से सप्तमेश हैं। अर्थात दशा लगन से आपके चंद्र लगन से, चंद्रमा लगन में ही है, चंद्र लगन भी मान सकते हैं हम इसको, और D1 लगन कुंडली तीनों से 12वां घर एक्टिव था। तो मैंने पूछा कि इनकी शादी जब होगी, शादी के साथ ही साथ विदेश यात्रा, विदेश में सेटलमेंट या अदर कल्चर में सेटलमेंट, यानी कि आपके जन्म स्थान से काफी दूर जहां पर कल्चर आपसे मैच ना खाता हो वहां पर इनको जाना है शादी के बाद, और शादी होगी, ट्रांजिट बता रहा है शादी होगी, दशा अंतरदशा बता रही है शादी होगी। तो मैंने कहा ये शादी होगी 6 दिसंबर से पहले होगी कंफर्म। हर बिंदु उस और अंकित कर रहा है कि हाँ शादी होगी। तब उन्होंने जो है कि मुझे बताया कि जो ये चार्ट दिखाने का रीजन क्या था, कि
जातिका की 2-3 बार शादी तय हो चुकी थी, लेकिन जब शादी की डेट तय होती थी उस टाइम दूल्हा आ नहीं पाता था, कोई ना कोई अड़चन आ जाती थी और शादी की डेट जो है पोस्टपोन की जाती थी, आगे बढ़ा दी जाती थी। ऐसा 2-3 बार हो चुका था। तो अब ये अभिभावक चिंतित थे, उन्होंने पत्रिका किसी को दिखाई तो उन्होंने बोला कि इस जातक से शादी नहीं हो पाएगी, ये शादी अभी नहीं हो पाएगी। वो और ज़्यादा चिंतित हो गए, तो स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ते थे तो उन्होंने मेरे से आग्रह किया, दशा प्रोबेशन का जो पार्ट हमारा लेसन चल रहा था, कि इस पर लगा के देखा जाए कि शादी कब होगी। तो दशा प्रोबेशन के अंदर भी जब शनि और थोड़ी राहू की जो दशा थी, प्रोबेशन लगन से चल रहा था, जहाँ पर उनके 12वें भाव का स्वामी है और वहाँ से वो 7वें भाव को एक्टिव कर रहे थे। तो मैंने ये कंफर्म किया था कि शादी का विदेश जाएंगे, क्योंकि विदेश जाने का बन रहा है उनके अंदर और शादी के बाद बन रहा है। तो स्वाभाविक है कि दूल्हा किसी ऐसी जगह से होना चाहिए या तो उनके जन्म स्थान से बहुत दूर हो या विदेश में रहता हो, क्योंकि दशांतर दशा भी इशारा कर रही थी कि जो राहु है विदेश का कारक है, जिसकी महादशा है, पर अंतरदशा चंद्रमा की है जो 12वें भाव का स्वामी है, विदेश को बता रहा है, 7वें भाव को देख रहा है, यानी कि जो शादी होगी विदेश से आने वाले किसी व्यक्ति से होगी। इस तरीके से जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरे को बताया बाद में कि डेट जो है कि 3 दिसंबर की तय हो चुकी है, तो मैं बोल दूं कि शादी इस बार होगी। गुरु जी ने बोला है, मैंने बोला बिल्कुल 100% बोल दीजिए कि शादी होगी। और फिर ये डेट आई और शादी बहुत धूमधाम से हुई, जातिका ने कंफर्म किया कि शादी हो गई है, और शादी के तुरंत बाद वो अपने दूल्हे के साथ विदेश चली गई। ये उनके रिलेटिव की कुंडली थी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको विश्लेषण पसंद आएगा और इससे कुछ ज्ञान के अंदर वृद्धि होगी, किस तरीके से हम टाइमिंग ऑफ इवेंट निकाल सकते हैं। आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।